बट ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर नहीं है, मेरा फैन हो जाओगे। वैसे तो मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लाइक कि जो लिपस्टिक है एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। ये तो यार मैं क्या बोलूं, क्यों बनाया प्लीज। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो यस, आपको थंबनेल एंड टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो क्या है। सो यस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मामा अर्थ के जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, आई लाइनर, मस्कारा, लिप बाम, लिपस्टिक्स, और क्या लॉन्च किया, मतलब इतने ही शायद मेकअप प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। सो ऑलरेडी मैंने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज़ किया है, और लास्ट ईयर जैसे ही मामा अर्थ नए नए लॉन्च कर रहा था, मैं उनको यूज करके अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। कोई भी वीडियो मेरा स्पॉन्सर नहीं था, सबको मैंने डिटेल से यूज करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। बट उन वीडियोस पे मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप सारे जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स आपने अभी तक मामा अर्थ के यूज किए ना, सबको एक ही वीडियो में उनको बता दो। सो मुझे लगा कि अच्छा आइडिया है, एक ही वीडियो में आप ब्रीफली सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाओगे। सो यस, ये है मेरे सारे प्रोडक्ट्स, इनको मैंने एक साथ इकट्ठा करके रख दिया है। सो मेरे पास ऐसे नहीं आया था, एक साथ में सारे प्रोडक्ट्स नहीं मैंने बाय किए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में लिए थे। बट अभी मुझे रिव्यू करना था तो मैंने इस तरह से ही मामा अर्थ के बॉक्स में ही इनको रख दिया है। सो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से बाय किए हैं, कुछ मैंने मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय किए हैं। सो जो भी लिंक्स रहेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों के ही लिंक्स दूंगी, मामा अर्थ पे अगर आप बाय करोगे ना तो वहां पे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए थे जो फर्स्ट इनका लॉन्च हुआ था, वैसे वैसे ही मैं सारे प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनका बाय किया था लिप बाम, एंड दिस इज द लिप बाम। सॉरी थोड़ा सा हालत खराब हो रहा है, मतलब जितनी भी मेरी लिप बाम है ना, मेरा बेटा छोड़ता ही नहीं है, आएगा बोलेगा मम्मा लिपस्टिक लगानी है, लिपस्टिक, और फिर लिप बाम लगा के चला जाता है। मैं उसको लिप बाम ही दे देती हूँ कि यार लिप बाम लगा ले। सो यस, उसने इसकी पूरी बैंड बजाई है और मैं भी इसको यूज करती हूँ। आई थिंक लास्ट ईयर ही मैंने इसको बाय किया था। मामा अर्थ ने इसके अंदर ना काफी सारे वेरियंट लॉन्च किए थे डिफरेंट डिफरेंट टिंट्स के साथ, तो जब भी आप इसको अप्लाई करोगे ना तो एक हल्का सा टिंट आपके लिप्स पे आएगा। सो मैंने जो बाय किया था दैट वन इज चेरी, और ये कुछ इस तरह का इसका टिंट है, यू कैन सी। सो मॉइस्चराइज भी काफी अच्छे से करता है, लिप्स को हाइड्रेट करता है और एक प्यारा सा टिंट छोड़ता है। तो अगर आप डेली में कुछ लगाना चाहते हो, लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते हो, तो इस तरह की लिप बाम आप बाय कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अच्छा लिप बाम है, थोड़ा सा प्राइजी है, बट यस ये 3 से 4 घंटे तक आपके लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आपको ड्राई एंड चैप्ड लिप्स की प्रॉब्लम है तो थोड़े टाइम आपको इसको पेशेंटली यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। बट यू कैन सी लाइक इसमें मॉइस्चराइजेशन कितना अच्छे से आप देख सकते हो, ग्लो नजर आ रहा होगा। सो यस, मॉइस्चराइज तो अच्छा करता ही है। अगर आप नाइट में इसको लगा के सो जाओगे ना तो सुबह उठोगे तो आपको अच्छे से लिप्स नजर आएंगे आपके, सॉफ्ट वाले। यस, मामा अर्थ का लिप बाम मुझे काफी अच्छा लगा। एंड उसके बाद मैंने ट्राई किया था इनका काजल। तो काजल एंड लिप बाम दोनों मैंने साथ में बाय किए थे। सॉरी मुझे ढूंढना पड़ रहा है प्रोडक्ट को। सो यस, दिस इज द मामा अर्थ काजल। ये कुछ आपको इस तरह की काजल पेंसिल मिलती है, एंड सॉरी मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि ये मैंने ख़त्म कर दी है। वैसे तो मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लाइक 2 से 3 घंटे में ही ये स्मज हो रहा था, गायब हो रहा था आंखों से, मतलब स्मज क्या, वो नज़र ही नहीं आ रहा था कि आपने कुछ लगाया है। मैंने आपको उस वीडियो में लाइव रिजल्ट के साथ दिखाया था पूरे दिन अप्लाई करके। सो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट यस अगर बाय किया है तो प्रोडक्ट को ख़त्म तो करना ही है, ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे। सो जस्ट नॉर्मल मैं नीचे जाती थी वॉक वगैरह पे 1-2 घंटे के लिए, सोसाइटी गार्डन में जा रही हूँ, तब मैंने इसको अप्लाई करके ख़त्म किया था। सो यस, ये सिर्फ आपको 1 से 2 घंटे ही फील करवाएगा कि आपने काजल लगाया है, अदरवाइज तो वो कहीं गुम हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मामा अर्थ का काजल, इनफैक्ट प्राइजी भी था, एमआरपी इस पे मेंशन है 299 रुपीज का काजल था। सो मुझे तो 300 रुपए में बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। 300 में आप देखने जाओगे तो लोटस का इको स्टे काजल काफी अच्छा है, आज मैंने वही अप्लाई किया है, काफी लंबे समय तक चलता है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो ना तो स्मच प्रूफ था, वाटर प्रूफ था, कुछ भी काम का नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको बाय करना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने बाय किया था, मामा अर्थ ने क्या लॉन्च किया उसके बाद, आई थिंक मामा अर्थ ने लॉन्च किया था इनका फाउंडेशन। सो यस, दिस इज द मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन विथ विटामिन सी। और ये तो यार मैं क्या बोलूं, क्यों बनाया मुझे समझ नहीं आया। यस ये ग्लो तो देता है,
यू कैन सी, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये ना अच्छे से ग्लो देता है स्किन पे, आप देखोगे, बट बिल्कुल भी कवरेज ये प्रोवाइड नहीं करता है. ना तो ये आपके पिगमेंटेशन को हाइड करेगा, ना ये एक्ने स्कार्स को हाइड करता है, बट यस, एक प्यारी सी ग्लोई ड्यूई फिनिश आपके फेस को देता है. सो अगर आपका फेस एकदम क्लियर है, आपको कवरेज नहीं चाहिए, थोड़ा सा ग्लो चाहिए, तो यू कैन अप्लाई दिस. अदरवाइज मुझे तो कुछ भी काम का नहीं लगा था. इनफैक्ट इतना स्टिकी है कि ऑयली स्किन वाले तो इसको यूज कर ही नहीं सकते, लगाते ही पसीना आना शुरू हो जाता है. और जब आप टिश्यू पेपर को इस तरह से होल्ड करोगे ना आपके फेस पे, तो वो चिपक जाएगा. यू कैन इमेजिन इतना स्टिकी सा मुझे इसका फॉर्मूला लगा. एंड मुझे तो नहीं लगा कि ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है. इनफैक्ट डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, डार्क सर्कल्स, इनको भी हाइड नहीं करता है. तो ये तो ऐसे ही मैंने जब से लिया है तब से ऐसे ही पड़ा है, मैं इसको यूज़ ही नहीं करती हूँ. क्योंकि यार जब आप कुछ फाउंडेशन लगा ही रहे हो, अगर वो कवरेज ही नहीं दे रहा है तो क्या मतलब उसको लगाने का. यस, अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ अदर फाउंडेशन के साथ इसको मिक्स करके खत्म तो करूँ एटलीस्ट, क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा जल्दी. बाकी इसका जो वीडियो था उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि वाटरप्रूफ है या नहीं है, सब कुछ अच्छे से लाइव दिखाया है मैंने आपको, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. बट मुझे नहीं अच्छा लगा ये वाला प्रोडक्ट भी. एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका कॉम्पैक्ट पाउडर मामा अर्थ का. सो दिस इज लिटरली अमेजिंग प्रोडक्ट. इसको भी मैंने जब वो वीडियो बनाया था तो उसमें एक साइड कॉम्पैक्ट लगाया था, एक साइड फाउंडेशन के साथ कॉम्पैक्ट लगाया था, तो दोनों की कवरेज एकदम सेम आ रही थी. यू कैन इमेजिन लाइक इस कॉम्पैक्ट के साथ अगर आप फाउंडेशन भी नहीं लगाओ, आपको डेली में कुछ लगाना है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो. सो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यू कैन सी कितनी प्यारी सी एक फिनिश्ड लुक ये प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया था और यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ. दोनों का रिजल्ट आप लोगों के सामने आप देख सकते हो, कितनी प्यारी सी एक ग्लोई सी कवरेज है यहाँ पे. और यहाँ पे आप देखो सिर्फ इस तरह से ये शाइन कर रहा है, चिपचिपा सा लग रहा है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे एकदम मैट सी प्यारी सी फिनिश है. इसका कॉम्पैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट मैं इसको डेली में भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये मेड सेफ प्रोडक्ट है. मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स यार वैसे भी हमें बताया कि अच्छे आते हैं, लाइक आप इनको डेली में अप्लाई कर सकते हो. सो डेली के लिए मुझे कॉम्पैक्ट काफी अच्छा लगा. कोई फाउंडेशन वाउंडेशन आपको अप्लाई नहीं करना है. आपके ज्यादा डार्क सर्कल्स है, एक्ने स्कार्स है, स्पॉट्स है फेस पे, तो आप नॉर्मली कंसीलर से इसको हाइड कर लीजिए एंड उसके बाद आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हो. बहुत प्यारी सी फिनिश ग्लो आ जाएगी. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा मामाअर्थ का प्रोडक्ट. एंड उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं इनका लूज पाउडर, सो मामाअर्थ का लूज पाउडर की अगर बात करें तो ये रिसेंटली ही मैंने बाय किया है. लाइक इसको मैंने सिर्फ 4 या 5 बार अप्लाई किया. आप देख सकते हो इसका जो स्पॉन्ज है वो भी बहुत ज्यादा डर्टी नहीं है. इसका मुझे एक बात अच्छी लगी कि इसका जो पाउडर है ना एकदम फाइन है, लाइक बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं है, एकदम टेक्सचर बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है फेस पे. बट अगर आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया, अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है कि लूज पाउडर कैसे अप्लाई करते हैं, तो फिर आप भूत लगोगे. लाइक थोड़ा सा मुझे लगा कि कवरेज एक्स्ट्रा ही दे दी उन्होंने, बाकी इतना देने की जरूरत नहीं थी. लूज पाउडर हम क्यों लगाते हैं कि हम अपने फेस को अच्छे से सेट करें, फाउंडेशन को अच्छे से सेट करें, ना कि हमें इसे सफेद सफेद दिखना है. सो इसका मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी. अदरवाइज आप इसको नॉर्मली लगाओगे, लाइक बहुत ज्यादा स्पॉन्ज पे नहीं लोगे, आप इसको डस्ट ऑफ करके एंड उसके बाद अगर अप्लाई करोगे ना, तो फिर ये अच्छी सी एक फिनिश लुक देता है. सी दिस, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है. सो यहाँ पे ये प्यारी सी फिनिश लुक दे रहा है और यहाँ पे आप देखो कितना सफेद सफेद लग रहा है. एंड यस, इसका जो स्पॉन्ज है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. इतना हार्ड स्पॉन्ज कौन देता है यार लूज पाउडर में, बहुत हार्ड सा है. और जब आप इसको आप इसको टैबिंग मोशन में लगा सकते हो, बट अगर आप इसको रगड़ के लगाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वो पाउडर भी स्पॉन्ज के साथ बाहर निकल रहा है. तो स्पॉन्ज तो मैं इसका फॉर श्योर नहीं यूज़ करूंगी, कोई दूसरा स्पॉन्ज यूज़ करूंगी, बट आपको केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ेगा. सो ये मुझे ओके लगा. अच्छे लूज पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ट्राई कर सकते हो. इसको एज सच बाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर में और लूज पाउडर में मुझसे पूछोगे तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर को बाय कर सकते हो. एंड उसके बाद मैं आपको बताऊं तो मामा अर्थ का जो मस्कारा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. आज भी मैंने वही अप्लाई किया है. दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट. इतना प्यारा वॉन्ड है इसका, एकदम थिक सा है और एकदम डेंस है. आप देख सकते हो कितना थिक है. तो ये पूरे लैशेस को बहुत अच्छे से कवर करता है, बहुत अच्छी वॉल्यूम प्रोवाइड करता है. और यस, थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा इसको. इसके इंग्रेडिएंट है वो भी आलमंड है, कैस्टर ऑयल है, दोनों ही हमारी लैशेस के लिए अच्छे होते हैं. बट इसकी स्टेइंग पावर भी काफी अच्छी है. वैसे भी मस्कारा यार कोई भी ले लो, ऐसे निकल के नहीं जाता है जब तक कि आप इसको निकालते नहीं हो, क्योंकि ये जो आपका एरिया है आई लैशेस काफी सेफ होती है, ना पानी लग रहा है, ना कुछ टच हो रहा है इस पे ज्यादा. तो यस, स्टेइंग पावर अच्छी है इसकी. बाकी इसका वॉन्ड, इसका एप्लीकेशन, इसका जो परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छा है. बहुत अच्छे से डेंस लुक देता है आपके लैशेस को.
वॉल्यूम काफी अच्छी लगती है। सो अगर आप इसका सिंगल कोट लगाओगे तो नॉर्मल लुक आएगा आपका, अच्छा लुक आएगा मतलब। और अगर आपने इसका डबल कोट लगाया है एक कोट सूखने के बाद, तो आपको फेक लैशेज लगाने की भी जरूरत नहीं है, इतना अच्छा ये वॉल्यूम देता है। सो ये भी मुझे मामाअर्थ का प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। थोड़ा सा प्राइजी है, आई थिंक ये 399 रुपीज का है, 400 का है, बट यस वर्थ है। एंड उसके बाद बात करें मामाअर्थ के लिपस्टिक्स की, सो आई लव दिस लिपस्टिक्स लिटरली, मतलब इतना लगाया है ना मैंने इसको, यू कैन सी मतलब इतना सा प्रोडक्ट बचा है मेरा, ऑलमोस्ट मैंने इसको हाफ कंप्लीट कर दिया है। एंड जो शेड मैंने बाय किया था दैट वन इज 02 प्लम पंच, इसमें काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे। सो ये है इसका प्लम पंच, बहुत अच्छा है, ये भी मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। काफ़ी प्यारा सा पिंकिश कलर है, मेजेंटा पिंक कलर है। कलर को आप नॉर्मली साड़ीज के साथ, सूट के साथ, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी लगा सकते हो, मतलब पिंक कलर यार एवरग्रीन होता है। बात करें इसकी स्टेइंग पावर की, सो 4 से 5 घंटे तो ये इजीली स्टे करता है। एंड उसके बाद अगर आप मील ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो फिर निकल के जाएगा, बट यस आपके लिप्स पे एक टिंट नजर आएगा, आपको लगेगा नहीं कि आपको रीअप्लाई करना है, इजीली आप निकाल सकते हो, 7 से 8 घंटे लिपस्टिक के साथ निकाल सकते हो। इसका जो फॉर्मूला है ना, इतना ज्यादा लाइट है, बिल्कुल भी लिप्स पे हैवी नहीं लगता है, और लगाने के बाद यार सॉफ्ट लगते हैं, एक मतलब जो होता है ना क्रीमी मैट टच जो रहता है लिपस्टिक को, वैसा इसका कुछ फॉर्मूला है। अमेजिंग प्रोडक्ट है, जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, लिटरली आप चाहते हो कि एक प्रोडक्ट मुझे मामाअर्थ का कोई भी बाय करना है, तो प्लीज़ इनकी जो लिपस्टिक है एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फ़ैन हो जाओगे, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है मामाअर्थ की लिपस्टिक्स। एंड यस, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो नेक्स्ट मैंने लिया था मामाअर्थ का आईलाइनर की अगर बात करें तो इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, लाइक इतना अच्छे से, इतना लंबा है, यू कैन सी। गाइस बहुत सारे आईलाइनर ऐसे आते हैं जिनका छोटू सा रहता है, लाइक ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बहुत छोटू सा रहता है, यहाँ पे रहता है। इसका एप्लीकेटर आप देखो, मतलब आप हाथ को यहाँ पे रख के भी आप इजीली इस तरह से लगा सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना थिन है ना ये, एकदम थिन सा लाइनर लगेगा, यू कैन सी इतना थिन है। और अगर मैं आपको इसका कलर पे ऑफ बताऊं तो सी दिस, एकदम जेट ब्लैक सा कलर है, हल्की सी शाइन है, बट काफी अच्छा ये लुक देता है, यू कैन। और अगर आपको एकदम पतला सा लगाना है तो आप इतना लगा सकते हो, और भी पतला लग सकता है, और भी पतला लग सकता है, सी। तो इसका एप्लीकेटर मुझे अच्छा लगा, बाकी ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है ओके है, लाइक बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि बहुत जल्दी से ड्राई आउट हो जाएगा, थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड लेता है ये ड्राई आउट होने में। स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बट जैसे अदर लाइनर्स आते हैं, मेबलिन का जो लाइनर है वो भी मुझे अच्छा लगता है, तो दोनों का कंपेयर अगर करें तो दोनों भी ठीक है, मतलब एज सच कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है कि यस यूज़ करना ही करना है, लेना है तो आप ले सकते हो, एप्लीकेटर के हिसाब से अच्छा है। बाकी प्राइजी है थोड़ा सा, आई थिंक इसकी प्राइस भी 300 समथिंग कुछ है। इससे अच्छा आप मेबलिन का जो कॉलेजल वाला है, येलो वाला, वो ट्राई कीजिए, वो भी अच्छा है, इतना प्राइस का लेने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक यही कुछ प्रोडक्ट्स थे मामाअर्थ के जो मैंने यूज किए हैं मेकअप प्रोडक्ट्स में, आई थिंक 8 से 10 प्रोडक्ट्स हैं, बट ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड यस, आई थिंक चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मिलते हैं गाइज अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।